13 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया था जी। तब से लेके आज 9 मई है, लगभग 55 दिन हो गए हैं। मैं पूरे लोकसभा में एक नहीं दो दो बार दौरा कर चुका हूँ, तीसरा शुरू हो गया है। और जो मैं लोकसभा का माहौल देख रहा हूँ, रात के 9-9, 10-10 बजे तक लोग बैठे इंतजार करते हैं, गांवों में भी 3 बजे का टाइम होता है, मैं 8 बजे पहुँचता हूँ, 8 बजे तक हजारों लोग बैठे रहते हैं। ये मोदी सरकार का जो 10 साल का कार्यकाल है, बेहतरीन कार्यकाल, जिसमें देश की तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है, ये उसके प्रति लोगों का भरोसा है। और मुझे माहौल को देख के बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट है कि लोगों ने तीसरी बार मोदी को भी प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय कर लिया है, और फरीदाबाद से पहले से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मुझको भरोसा है। जैसे अर्बन और रूरल एरिया की बात करें, आप गांव में भी जा रहे हैं, जैसे कि आज पृथ्वा गए थे, पलवल के कई गांवों के दौरे आप कर चुके हैं, गांव के माहौल और शहर के माहौल के अंदर आपको क्या फर्क नजर? कोई माहौल नहीं है, सेम एक तरह का। आप मेरी वीडियो आती होंगी, आपकी प्रेस रिपोर्ट की झलकियाँ आती होंगी, और आप खुद चलिए एक दिन मेरे गाँव में कैसे भीड़ उमड़ती है। 42 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग घंटों घंटों इंतजार करते हैं। इसका मतलब है कि लोगों ने मन बना लिया कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने आने वाली संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए हमको एक स्थिर सरकार चाहिए। आज अगर देश बदला है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 10 साल देश के लोगों ने एक स्टेबल पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी को दी, इसलिए देश की तस्वीर बदली है। देश अब गठबंधनों की सरकार का खामियाजा भुगत चुका है और भुगतने को तैयार नहीं है, लोगों ने तय कर लिया है। आज सिर्फ एक पार्टी बची है जो अपने दम पर देश में पूर्ण बहुमत लाने वाली है, वो है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता नरेंद्र मोदी। आज देश में और किसी पार्टी की इतनी हैसियत नहीं बची है कि वो 2 अंकों से ऊपर भी पहुंच जाए। मंत्री जी, एक बार गर्मी का माहौल है, पीछे एक क्वेश्चन है, उसके बाद आप जितने मर्जी हो गए। पिछले चरणों के चुनाव देखें तो कई जगह वोट प्रतिशत पहले से कम हुआ है, जहां आप पार्टी के झंडे के नीचे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस दिन अगर गर्मी तेज हुई तो किस तरह की अपील करेंगे कि लोग गर्मी को भूल कर आए? देखिए, अभी मैंने की है, आप देखना, मतदान अच्छा होगा, लोग घरों से निकलेंगे और लोगों के मतदान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि उनको सामने देश दिख रहा है, देश के लिए वोट डालना है तो घरों से निकलना है। क्या उम्मीद है? पिछली बार 62% वोटिंग हुई थी, मुझे मालूम नहीं कितना, लेकिन कम नहीं होने वाली, ज्यादा ही होगी। नानी के घर पहुंचाने की बात कही है पंजाबी समाज नाराज है आपसे, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। कैसे नाराज? भड़कल विधानसभा में खड़े सीमा बहन जी, देखिए पंजाबियों के दिल में कृष्ण बसता है और कृष्ण के दिल में पंजाबी बसता है, सवाल ही नहीं है। कितना चुनाव में लड़ लिया, हर बार 36 बिरादरी ने और पंजाबी समाज ने तो दिल खोल कर हमारा समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। नाराज क्या नाराज, सवाल होने सवाल ही पैदा नहीं है, और 36 बिरादरी बीजेपी के साथ है। मंत्री जी, एक टाउन की तरफ से भड़कल विधानसभा से लोगों के सजेशन आप मेरे थ्रू भेजी गई है कि मेट्रो पकड़ने के लिए उनको स्टेशन से निकलना पड़ता है, तो ऊपर का जो ब्रिज है वो बनाने की मांग कर रहे हैं कि सीधा वो वहाँ से जाए। देखिए बनेगा, वो इसी में है, इसी में है, रेलवे स्टेशन में आप देखना, जो बन रहा है तो पूरा क्रॉस पूरा पकड़ने के लिए बनेगा, हाईवे से जोड़ेंगे उसको, वो जुड़ रहा है। एक मंत्री जी और बात है, विपक्ष कह रहा है कि हमारे बढ़ते लोकप्रियता से कृष्ण पाल गुर्जर घबरा रहे हैं। मैं एक अकेला सब पर भारी, वो है नरेंद्र मोदी। कौन घबराया हुआ है मोदी से? कौन घबराया हुआ है? सारे मिलके लड़ रहे हैं, मोदी अकेला भारी है सब पे, सारे ठग इकट्ठे हो गए, तो घबराया हुआ कौन है? जो इकट्ठा मोदी के खिलाफ हो रहे हैं वो घबराए हुए हैं, जो अकेला सबसे लड़ रहा है बेईमानों से, या वो घबराया हुआ है? ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद।